गर्मी के मौसम में राइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और उसमें टाइम अगर दोपहर 12 बजे से लेके 4 बजे का हो तब तो पूछिए मत। तो मेरे पास है आपके लिए 5 टिप्स जो आपके इस समर राइड को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। पहले काम करते हैं, घर पहुंचते हैं, उसके बाद बातें कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि अभी लद्दाख का सीज़न शुरू होने वाला है, जैसे ही मई एंड की तरफ आएगा लोग लद्दाख घूमने के लिए निकलना शुरू करेंगे, तो आपको वहाँ ठंड का जो मौसम मिलेगा वो लद्दाख या जम्मू पहुँचने के बाद ही मिलेगा, उससे पहले आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा ही। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। सो द टिप नंबर 1 इज डू नॉट राइड, राइड मत करो। अबे साले, अब इससे पहले आप लोग मुझे गालियां देना शुरू करो, मैं अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। 12 से 4 के बीच में दोपहर के इस टाइम फ्रेम में हो सके तो राइड मत करो, क्योंकि आप लोग जहाँ भी रहते होंगे आपको ये पता होगा कि जो 12 से 4 के बीच का टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा गर्मी वाला टाइम होता है। इस समय जो टेम्परेचर होता है वो अपने पीक पर होता है, जो हवा बाहर चल रही होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो अगर आपका एक दिन में डिस्टेंस 600 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है तो आप चाहें तो 12 से 4 के बीच का टाइम या तो स्किप कर सकते हैं, या इसमें आप थोड़ा कम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, आप ब्रेक्स ज़्यादा ले सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा गर्मी फेस ना करनी पड़े, क्योंकि इस समय अगर आप निकलेंगे तो आपका जो बॉडी है वो बहुत तेज़ी से डिहाइड्रेट होगा। इनफैक्ट जब मैं लास्ट टाइम हैदराबाद गया था तो 12 से 4 के बीच का जो टाइम था ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए चलाने के लिए, क्योंकि इस समय मैं कहीं अगर पेड़ की छाँव में ब्रेक ले भी रहा था तो भी वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जो मेरे बॉटल में पानी था वो भी पूरी तरह से गर्म हो चुका था। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको एक दिन में 600 किलोमीटर या उससे ज़्यादा कवर नहीं करना है, 600 किलोमीटर से कम कवर करना है, तो आप अपनी राइड थोड़ी जल्दी शुरू कर लीजिए और शाम को थोड़ी देर तक चला लीजिए, क्योंकि वैसे भी समर सीज़न में जो आपका दिन का टाइम होता है, रोशनी वाला टाइम, वो ऑलरेडी ज़्यादा होता है। हमारे इलाके में अराउंड 5 बजे के आसपास सनराइज़ हो चुका होता है और ऑलमोस्ट 7 बजे तक रोशनी रहती है, तो इसके बीच में अगर आप 3, 3.5 या 4 घंटे भी राइड छोड़ देते हैं तो बाकी टाइम फ्रेम में आप चाहें तो अपनी राइड कंप्लीट कर सकते हैं। एल्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतना लंबा ब्रेक नहीं लिया जा सकता, तो जो 12 से 4 का टाइम है उसमें आप ब्रेक्स ज़्यादा लेके चला सकते हैं, एट अ स्ट्रेच ज़्यादा देर तक चलाने की कोशिश ना करें। अब आते हैं टिप नंबर 2 पे, और वो है पानी। जी हाँ, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा हो सके आप पानी पीते रहें, क्योंकि गर्मी के टाइम में आपको भी पता नहीं चलता लेकिन आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से डिहाइड्रेट होती रहती है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अपनी ही राइड से लेके देता हूँ। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे हैं तो मैं मैनपाट गया था नवंबर एंड में, और अभी रिसेंटली हैदराबाद गया था। तो इन दोनों टाइम में जो डिफरेंस था सबसे बड़ा वो ये था कि जो मैनपाट वाली राइड थी वो मैंने ठंड के मौसम में की थी, और घर से निकलते समय मैं 2 ग्लास पानी पी के निकला था। उस 2 ग्लास पानी की वजह से पहले 50 किलोमीटर में मुझे 3 बार सुसू ब्रेक लेना पड़ गया था। लेकिन अभी जब मैं हैदराबाद जा रहा था तब यू वोंट बिलीव पूरे 20 से 21 घंटे की राइड में मैं शायद 1 से 2 ही बार सुसू ब्रेक लिया होगा, वो भी जब सुबह सुबह निकला था तब, और जब शाम हो गया, थोड़ा रात हो गया उसके बाद। जो दिन वाला टाइम था उसमें मुझे ये ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़े ही नहीं, जबकि मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रहा था। मैं जितने बार ब्रेक लेता था मैं 0.5 लीटर से 1 लीटर पानी ख़त्म कर देता था। मैं जानबूझकर ज़्यादा पानी पी रहा था, बट देन अगेन वो पानी कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इसीलिए आप जब भी गर्मी के मौसम में ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो इसका पहला सिम्टम आपको दिख जाएगा कि आपको हल्का हल्का हेडेक शुरू हो जाएगा। तो जैसे अगर ये होने लगे तो आप थोड़ा समझ जाएं कि हो सकता है आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। और एक बार अगर आपको गलती से सन स्ट्रोक हो जाता है तो आपके लिए राइड कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीते रहें। तो बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। द टिप नंबर 3 इज़ चूज़ करेक्ट गेयर। आप जो भी गेयर, राइडिंग गेयर पहनते हैं उसको सही तरीके से चूज़ करें। अभी रिसेंटली मेरे 1 से 2 वीडियोस में कुछ लोगों का कमेंट आया है कि यार आप इतनी गर्मी में राइड कर कैसे लेते हैं। तो सच बताऊं तो जो सबसे बड़ा मेरे पास प्लस पॉइंट है वो है मेरा राइडिंग जैकेट। मेरे पास TVS का राइडिंग जैकेट है और वो बेसिकली एक समर राइडिंग जैकेट है,
तो उसमें जो वेंटिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है। तो जब तक मैं बाइक चला रहा होता हूँ मुझे खास गर्मी का पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, हवा का जो फ्लो है वो इन एंड आउट बना रहता है। तो मुझे गर्मी की प्रॉब्लम जब तक बाइक चलते रहती है तब तक नहीं होती। तो आप जब भी समर में राइड करें आप करेक्ट जैकेट पहन के राइड करें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बिना जैकेट के राइड कर लें। मैंने कई लोगों को देखा है कि जब वो समर में राइड करने निकलते हैं तो वो जानबूझकर कोई सेफ्टी जैकेट वो सब नहीं पहनते, ये कह करके अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। बट बहुत लंबी राइड रहती है, गर्मी अपनी जगह है, सेफ्टी अपनी जगह है, हमको दोनों को लेकर चलना है। तो आप जो भी राइडिंग गियर लें उसको करेक्ट चूज़ करें अपने मौसम के हिसाब से। आप कोई भी वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको हर सीज़न के हिसाब से अलग अलग राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स मिल जाते हैं। बट देन अगेन, अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो मेरी तरफ से आप एक टिप ले सकते हैं कि आप समर वाला जैकेट रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब मैं ठंडी के टाइम पे राइड कर रहा था तो होता यह है कि उस समर वाले जैकेट के अंदर मैं लाइनर्स बढ़ा सकता हूँ, मतलब मैं अंदर लाइनर पहन लेता था, उसके ऊपर एक थर्मल लाइनर होता था, उसके ऊपर थोड़ी ठंड लगी तो मैं एक पुलओवर पहन लेता था और फिर राइडिंग जैकेट पहन लेता था। तो इससे क्या होता था कि हवा का फ्लो मैं रोक सकता हूँ। तो अगर आपके पास बजट की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है तो आप हो सके तो समर राइडिंग जैकेट ही खरीद लें, क्योंकि आप क्या अगर ठंड में चाहें तो हवा का फ्लो रोक सकते हैं, आप ऊपर रेनकोट पहन सकते हैं, उससे भी आपको हवा नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप विंटर राइडिंग जैकेट पहन लेते हैं तो उसमें आप हवा का फ्लो बढ़ा नहीं पाएंगे गर्मी के मौसम में। एडिशनली आप ट्राई करो कि जहाँ भी आप ब्रेक लेते हो आप अपने राइडिंग गियर्स को उतार लो। जैसे अगर आपने राइडिंग जैकेट पहनी है, आपने हेलमेट पहना है, आपने नी गार्ड्स पहने हैं, तो आप चाहें तो इन्हें उतार लें। उससे क्या होगा, आपको भी थोड़ा सा लाइट फील होता है। दूसरा, गर्मी के टाइम में आप जैसे ही बाइक से उतरते हैं आपको तुरंत पसीना आना शुरू हो जाता है। तो जितने देर आप खड़े रहेंगे और राइडिंग जैकेट्स पहनते रहेंगे उतना आपको पसीना आता रहेगा, और उस पसीने की वजह से आपके राइडिंग गियर उतने ज़्यादा स्मेल करने लगेंगे धीरे धीरे। तो अगर आप कहीं भी ब्रेक लेते हैं तो हो सके तो अपने जैकेट्स शूज़ उतार लें, इससे आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी भी जो बॉडी है वो ब्रीद कर सकेगी। इसके बाद समर में राइड करने के लिए कोशिश कीजिए कि अगर या तो आपके पास डबल वाइज़र वाला हेलमेट होना चाहिए। अगर आपने देखा होगा तो ऐसे हेलमेट्स आते हैं जिसमें दो वाइज़र रहता है, ऊपर क्लियर वाइज़र रहता है और अंदर सनग्लास जैसा रहता है। तो अगर आपके पास वो है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एडिशनली एक चश्मा पहन के, सनग्लास पहन के चला सकते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में ऑलरेडी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं। और जिन्होंने राइड्स की हैं उन्हें थोड़ा सा आइडिया पहले से होगा कि दोपहर के टाइम में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाती हैं कि वो आपकी आँखों में इफ़ेक्ट करने लगता है, आपकी आँखों में स्ट्रेन पड़ने लगता है, थोड़ा सा थकान फील होता है, थोड़ा सा नींद आने लगता है। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा लाइट अंदर आ रहा होता है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए सनग्लास भी पहन लें गाड़ी चलाते समय। इसके साथ साथ आप चाहे तो आप ड्राई फिट टी शर्ट्स पहन सकते हैं। इसे ड्राई फिट, क्विक ड्राई, रैपिड ड्राई बहुत अलग अलग नाम से आता है, आप कोई भी नाम से ढूंढ लीजिए, वो पहन लीजिए। इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि इसमें अगर पसीना आता है तो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो आप अगर ले सकते हैं तो आप ऐसे वाले भी टी शर्ट्स ले लीजिए, उसको पहन लीजिए। आप जहाँ भी ब्रेक लेते हैं आप चाहे तो टी शर्ट उतार के उसे गीला करके वापस पहन सकते हैं। तो अगले 30 मिनट तक आप जब भी बाइक चलाएंगे आपको थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता रहेगा। आप अपना खुद एक एसी कैरी कर सकते हैं आधे आधे घंटे के लिए। कमिंग टू टिप नंबर 4, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, ये चीज़ लोग यूजुअली गर्मी के मौसम में क्या किसी मौसम में ध्यान नहीं देते, वो ये कि अपनी बाइक को ज़्यादा एक्सेलरेट ना करें, ज़्यादा थ्रॉटल घुमा के दिन भर ना रखें बाइक का जब तक आप राइड कर रहे हैं। वो इसलिए कि गर्मी के टाइम पे ऑलरेडी जो इंजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन में होता है। ये बहुत समझने वाली बात है कि बाहर का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का, एम्बियंस का टेम्परेचर और इंजन का टेम्परेचर अलग अलग होता है। इंजन जो होता है वो ऑलरेडी काफ़ी गर्म होता है, और अगर आप उसे गर्मी के मौसम में दोपहर के टाइम में फुल एक्सेलरेशन में चला रहे होंगे तो इंजन पे बहुत ज़्यादा लोड डालेगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि अगर आपके बाइक की कैपेसिटी 100-120 की स्पीड की है तो आप 80-90 की स्पीड में चलाएं। इससे ये होगा कि आप एक तो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर सकेंगे, काफ़ी लॉन्ग चला सकेंगे, दूसरा ये आपके बाइक पे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं डालेगा। जैसे लास्ट जब मैं अभी राइड पर गया था तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि जो मेरी स्पीड है वो 80-90 के बीच में रहे, जबकि बहुत बार ऐसा हुआ था कि यार ओपन हाईवे में मुझे खाली रोड मिल रहा था लेकिन मैं फिर भी स्पीड बढ़ा नहीं रहा था। उसका रीज़न ये था कि ऑलरेडी 80-90 की स्पीड में रखने के बाद भी मैं ये क्लियरली फील कर सकता था कि जो इंजन के बगल में जो मेरे पैर हैं वहाँ पे अलग से हीट मुझे फील हो रहा था। तो ये मैं समझ गया था कि यार मेरा जो इंजन है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है गर्मी में चलाने की वजह से, इसीलिए ज़्यादा एक्सेलरेट ना करें।
टिप नंबर 5 इज़ वेरी कॉमन और आपको शायद ये पहले से पता होगा, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ। गर्मी के मौसम में जब आप राइड कर रहे हैं तो स्पाइसी फूड, मसालेदार खाने को अवॉइड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप ढाबे में रोक रहे हैं और वहाँ बैठ के आप यू नो बटर नान, तंदूरी रोटी, पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, चिकन मसाला सब ठूसे पड़े। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी बॉडी की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नॉर्मल दिनों में भी जब आप मसालेदार खाना खाते हैं तो ये आपको समझ में आता होगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। पानी का जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो स्पाइसी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसके लिए पानी का ज़रूरत बढ़ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। तो जस्ट इमेजिन गर्मी के मौसम में जहाँ आपकी बॉडी ऑलरेडी तेज़ी से डिहाइड्रेट हो रही है, वहाँ अगर आप और स्पाइसी फूड भी डाल लेंगे अंदर तो आपका जो पानी का इंटेक है वो और ज़्यादा बढ़ाना पड़ जाएगा। इसीलिए आप कोशिश करें कि जब आप समर में राइड कर रहे हैं तो आप दोपहर के टाइम में वाइल्ड राइडिंग, जितने टाइम आप राइड कर रहे हैं, आप राइड ख़त्म करने के बाद चाहे तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जब तक आप राइड कर रहे हैं तब तक आप बहुत लाइट फूड खाने की कोशिश करें। वैसे तो जो ये वाला टिप है ये हमेशा अप्लाई होता है, किसी भी सीज़न में आप राइड कर रहे हैं तो जब तक आप राइड कर रहे हैं तब तक आप कोशिश करें कि ज़्यादा स्पाइसी फूड आप ना खाएं। क्योंकि तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जहाँ पे खा रहे हैं हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता वो कैसे बना है, वो कब का बना हुआ है, वो कितना पुराना है, वो कैसा बना है, किसी को नहीं मालूम। तो ये हो सकता है कि वो आपके पेट को भी ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए आप जब तक राइड कर रहे हैं तब तक आप स्पाइसी फूड का अवॉइड करें। अब एक और टिप है, बोनस टिप, ये मुझे पहले आइडिया तो नहीं आया लेकिन अभी बोलते बोलते दिमाग में आ गया तो सोचा आप लोग से शेयर कर लेता हूँ। आप जो हेलमेट पहनते हैं, कोशिश करिए कि आप समर राइडिंग के टाइम पे फुल फेस हेलमेट ही पहने। हाफ फेस तो आप खैर ज़्यादा नहीं भी पहनना चाहिए क्योंकि वो उतना सेफ़ नहीं होता। अगर आपके हेलमेट में चिन कर्टन रहेगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब 80-90 की स्पीड में होते हैं तो यार हवा काफ़ी तेज़ होती है, तो आपको वैसे भी बहुत गर्म गर्म हवा लग रही होगी। तो अगर आपका चिन कर्टन नहीं रहेगा ना तो काफ़ी गर्म हवा यहाँ से अंदर घुस सकती है। इसीलिए अगर आपके हेलमेट हैं तो कोशिश करिए कि यार आप फुल फेस हेलमेट लें, और उस फुल फेस हेलमेट में अगर चिन कर्टन होता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, शेयर की हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। समर में राइड करने से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप इंस्टाग्राम मुझे DM कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई ट्राई कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ एंड लिव योर लाइफ फुल थ्रॉटल।